जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपके जीवन में, आपके करियर में आपको ढेर सारी सफलता मिले, ढेर सारी सक्सेस मिले। डियर, आज हम एक स्पेशल टॉपिक पर रीडिंग लेकर आए हैं। स्पेशली होता है, हर किसी को अपने भाग्य के बारे में जानने की उत्सुकता होती है। हर इंसान जानना चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में जो इतनी उथल पुथल मची हुई है, जो इतने अप डाउन्स चल रहे हैं, आखिर क्या लिखा है मेरी किस्मत में, आखिर क्या लिखा है मेरे भाग्य में। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी राशि चूज करनी है। देखिए, जिस पाइल में आपकी राशि है आप उसे चूज करिए। पहले पाइल में है मेष सिंह धनु राशि, कर्क वृश्चिक मीन राशि, ठीक है। और दूसरे पाइल में है मिथुन तुला कुंभ राशि, वृषभ कन्या मकर राशि, ठीक है। अब अगर आपको आपका साइन पता नहीं है, आपको आपकी राशि पता नहीं है, तो हमने यहाँ पर कुछ एंजल्स नंबर भी दिए हुए हैं। आप नंबर्स के थ्रू भी पाइल चूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है हमने, तो जो भी आपको अट्रैक्टिव लग रहा हो आप उस नंबर को चूज़ कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको आपकी राशि पता है तो राशि के अकॉर्डिंग आप अपना पाइल चूज़ करिए। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है, ठीक है, तो आप नंबर के अकॉर्डिंग, जो हमने दो नंबर दिए हुए हैं अलग अलग पाइल में, तो नंबर के अकॉर्डिंग आप पाइल चूज़ कर सकते हैं और फिर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। इसमें हम बताएंगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपका भाग्य आखिर आपको कहाँ ले जाना चाहता है, आपकी ज़िंदगी आपको कहाँ ले जा रही है, कहाँ ले जाएगी, क्या होगा, नहीं होगा, सब कुछ बताएंगे। और कुछ हम आपको एंजेलिक गाइडेंस भी देंगे कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और आपको क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और आपने अब तक एक पाइल चूज़ कर लिया होगा अपनी राशि के अकॉर्डिंग, या फिर अपने जो भी आपको नंबर अच्छा लग रहा हो उस नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, अब आप अपनी रीडिंग देखिए। एक बात और बता देते हैं, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो अब आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर, इस टाइम पर हमारा टेलीग्राम नहीं चल रहा है, थोड़ा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन उसी नंबर से हमारा व्हाट्सएप चल रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, एक बात के लिए और अलर्ट करना है, आज हमने देखा कि किसी ने सबके कमेंट पे एक रिप्लाई करके रखा हुआ था कि आप यहाँ पर व्हाट्सएप करें, और वहाँ पर हमारी डीपी लगी हुई है, हमारी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है। तो प्लीज़ आप उन सब फ्रॉड लोगों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि वो हमारा चैनल नहीं है, या फिर इस तरह से कोई भी हमारी टीम का मेंबर या फिर हम खुद कभी भी आपको कमेंट बॉक्स में अपना नंबर नहीं देंगे, ना कभी कहेंगे कि आप व्हाट्सएप करें, कभी नहीं कह सकते। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमारा नंबर मिलेगा, और किसी ने हमारी डीपी लगा रखी है, तो प्लीज़ बी अलर्ट। अगर आप उनके जाल में फंस जाते हैं, आपके पैसे चले जाते हैं, तो प्लीज़ हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। हमारा काम है आपको समझाना। बार बार कहते हैं कि जो क्या बताएं, जो घटिया टाइप के लोग होते हैं वो किसी भी लेवल तक गिरते हैं ये सब करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप किसी के चक्कर में ना फंसे, वो सब झूठे लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, ठीक है। बी अलर्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है मेष सिंह धनु राशि, कर्क वृश्चिक मीन राशि, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को,
और आप जानना चाहते हैं कि आखिर आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जा रहा है, क्या लिखा है आपके भाग्य में जो होकर रहेगा, क्या है आपकी डेस्टिनी। कुछ चीज़ें हम पहले से क्लियर कर दें जिससे आप लोग आगे के लिए अलर्ट हो जाएंगे। आपको पता है आपके जो थॉट्स होते हैं ना, आपके जो विचार होते हैं, जो आप सोचते हैं कंटिन्यूसली, जो आप सोचते हैं, आपके थॉट्स ही आपका कर्म बनते हैं। समझ रहे हैं? आपके कर्म बनते हैं और आपका कर्म ही आपका फ्यूचर तय करता है, आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर तय करता है। आप प्रेजेंट में कैसे चल रहे हैं यही आगे चलकर फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपका कर्म ही आपका भाग्य बनते हैं। भाग्य कभी कोई और लिखता नहीं है, बस फर्क इतना होता है कि कभी कभी कुछ पास्ट लाइफ का कर्म होता है तो कुछ इसी लाइफ का कर्म होता है जिसे आपको भुगतना होता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। लेकिन जब इंसान अच्छे और बुरे कर्मों से ऊपर उठ जाता है, लाइक पाप और पुण्य से जब वो ऊपर उठ जाता है, जब वो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो जाता है, तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग तरह से चलती है। समझ रहे हैं? जब वो स्पिरिचुअल हो जाता है, लाइक वो ट्विन सोल जर्नी में आ जाता है, तब भी भाग्य, तब भी कर्मा मैटर करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। तब वो सब कुछ जैसे कि ईश्वर के हिसाब से चलता है। तब जो भी व्यक्ति होता है, जो ट्विन सोल जर्नी में होता है, जो पाप और पुण्य से, अच्छे कर्म बुरे कर्म से ऊपर उठ जाता है, वो अपनी ज़िंदगी की सारी सिचुएशन, सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर देता है। वो उनके हिसाब से चलना शुरू कर देता है। तो हमने आपको बताया कि भाग्य क्या है। अब चलिए हम डिटेल में बताते हैं कि आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जा रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके बारे में बताएंगे, क्योंकि इधर हम जो देख रहे हैं ना, अभी करेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। करेंटली एक बात अच्छे समझ लीजिए, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपके भाग्य में सितारे ही सितारे हैं, आपके भाग्य में राजयोग है। आप बहुत अच्छी ज़िंदगी इन फ्यूचर जिएंगे, बहुत अच्छी। लेकिन बस आप में जो कमियां हैं, अगर आप उनका सुधार कर लें तो, है ना। अभी आप में से 90% लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ टोटली इम्बैलेंस है। क्यों इम्बैलेंस है हम वो भी बता देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में फिनेंशियल कंडीशन इस वक्त बहुत ख़राब चल रही है, बहुत ख़राब चल रही है। मेहनत बहुत कर रहे हैं आपको, मेहनत बहुत कर रहे हैं आप, लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जैसे कि कोशिश करते हैं कि सब अच्छा हो, सब अच्छा हो, सब अच्छा हो, उसमें आप अपना 100% भी देते हैं, लेकिन सडनली रिजल्ट ये मिलता है कि सब खराब हो गया। जैसे कि बार बार आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो हम कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं कि वो क्यों हो रही हैं। फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अभी आप अपना प्रेजेंट सुधार लेंगे तो, क्योंकि आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर बनेगा, वही आपका भाग्य बनेगा। भाग्य कहीं कोई और नहीं लिखता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों के लिए अगर आप अलर्ट हो जाते हैं तो ध्यान से सुनिए। एक तो आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, समझ रहे हैं, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, बिना सोचे समझे लाइफ में डिसीजन ले लेते हैं, बिना सोचे समझे लाइफ में कोई एक्शन ले लेते हैं। सामने वाला इंसान विश्वास के लायक है या नहीं है, ये जाने बिना ही अपने दिल की हर बात सामने वाले से शेयर कर देते हैं। हर किसी के प्रति समर्पण भाव रखते हैं। आप अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भाव सिर्फ परमात्मा के लिए होना चाहिए, हर एक इंसान के लिए नहीं। आपको पता है इस दुनिया में देवता भी हैं और दैत्य भी हैं, है ना। दोनों तरह की आत्माएं हैं, दोनों तरह के लोग हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो आपको ये परख होनी चाहिए ही चाहिए कि सामने वाला इंसान कैसा है। आपकी एनर्जी कभी भी बैलेंस नहीं रहती है।
आप कभी भी अपनी लाइफ में एक चीज़ को लेकर क्लियर नहीं रहते हैं, चाहे कोई इंसान हो, कोई काम हो, कुछ भी हो, द्वंद की स्थिति, कन्फ्यूज़न की स्थिति आपकी लाइफ में हमेशा रहती है। ये करूं, ये ना करूं, क्या करूं, कैसे करूं, ये आपके अंदर हमेशा चलता है। ये ऑप्शन चूज़ करूं या फिर ये ऑप्शन चूज़ करूं। किसी भी काम में आपको इंस्टेंट रिजल्ट पाने की जल्दबाजी रहती है ना? और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना, अपना कोई भी प्लान शेयर कर देना, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से अक्सर आपको धोखे मिलते हैं। यहाँ पर दुनिया बड़ी स्वार्थी है। आपको एक चीज़ अब तक समझ में नहीं आई कि लोग बहुत स्वार्थी हैं। मीठी मीठी बातें करके आपके अंदर के राज निकलवा लेंगे, हर चीज़ जानने के लिए बड़े अच्छे बन जाएंगे, लेकिन वो असल में क्या मनसा रखते हैं आपके लिए, उनकी क्या भावनाएं हैं आपको लेकर, क्या इंटेंशन है, वो आप समझ नहीं पाते हैं। लोग आपको जैसे कि बहुत उम्मीदें दे देते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, और आपको बड़े लंबे चौड़े ख्वाब दिखा देते हैं। जैसे कि आपको बड़े प्यार से आसमान में ले जाते हैं, चढ़ाते जाते हैं, चढ़ाते जाते हैं, फिर वहीं से धक्का मार देते हैं। क्यों? अब आप ये मत कहिए कि मेरा भाग्य बुरा है कि मुझे धोखे मिलते हैं। आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस वजह से धोखे मिलते हैं। हर चीज़ के लिए भाग्य को कोसना, हर चीज़ के लिए ईश्वर को ब्लेम करना बंद करिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी अपनी भी गलतियाँ हैं बहुत सारी। आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से, अपने पास्ट के अनुभवों से कुछ सीखते नहीं हैं। तो यहाँ पर किसकी गलती है? आपकी गलती है। आपके पास्ट में जो हुआ, आपकी पिछली ज़िंदगी में जो हुआ, अगर आप उससे कुछ सीखेंगे नहीं तो वो चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी आपकी लाइफ में, बार बार रिपीट होती रहेंगी। आपको पता है हर एक आत्मा की अपनी यात्रा है, अपनी जर्नी है, जो कि वो यहाँ पर कुछ सीखने आई है। लेकिन जब तक आप वो चीज़ें सीखते नहीं हैं तो फिर आपको बार बार वो चीज़ें मिलती रहेंगी। लाइक आप 10th क्लास में हैं, आप बार बार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, अचानक से नर्वस हो जाते हैं, उस टाइम पर आपका दिमाग काम नहीं करता कि क्या लिखना है एग्ज़ाम में, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं अंदर से, समझ रहे हैं? और जो भी आपने पढ़ा लिखा होता सब आप भूल जाते हैं। तो आप जब बार 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 असफल होंगे, बार बार फेल होंगे, तो आपको बार 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 वही चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी, बार बार आपको वही एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। इस दुनिया का तो रूल ये है कि हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिश्वत देकर आप पास कर भी दिए जाएं, पास भी हो जाएं पैसे देकर, पर ईश्वर पास नहीं करते हैं। अगर आप किसी चीज़ में बार बार असफल हो रहे हैं तो वो बार बार वही चीज़ें रिपीट करते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा हर चीज़ में परफेक्ट हो, परिपक्व हो, उन्हें उसे हर चीज़ का पता होना चाहिए। आप भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन आप बार बार वही गलती करेंगे, बार बार वही गलती करेंगे, तो वो चीज़ें बार बार रिपीट होंगी ही होंगी आपकी लाइफ में। अब ये गलतियाँ प्यार को लेकर हो सकती हैं, करियर को लेकर हो सकती हैं, आपके व्यवहार को लेकर हो सकती हैं, ये आप खुद भी जानते हैं। हमने बताया कि आप बहुत इमोशनल हैं और आपके इमोशंस का लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मासूम हैं, इससे किस तरह की बात करनी चाहिए कि ये बस बातों में आ जाए, और बस वो आपको बातों में ले ही लेते हैं, और आप उनकी बातों में आ जाते हैं, बस सब खराब हो जाता है। तो यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं कि अब से एक तरीके से एक संकल्प कर लीजिए कि आज के बाद आप कभी भी किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। हमने क्यों बताया कि थॉट्स ही हमारे कर्म बनते हैं। लाइक जो जैसा सोचता है
वो वैसा ही करने लगता है, क्योंकि उसके विचार उसके कर्म बनने लगते हैं। जो जैसा सोचता है ये एक दिन में नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है, पर होता ज़रूर है। आपने अपने मन में जो भी बीज डाल दिया है वो बड़ा ज़रूर होगा, धीरे धीरे होगा, समझ रहे हैं? जो जैसा सोचता है वो वैसा ही करता है और एक दिन वो वैसा ही बन जाता है, वो वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है, मैनिफेस्ट करने लगता है। तो आप ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो प्लीज़ आप ओवरथिंकिंग ना किया करें। ये भी आपकी ज़िंदगी में जो राजयोग लिखा है ना, उसमें रुकावटें पैदा कर रहा है। ईश्वर ने तो आपको सम्राट बनाकर ही भेजा था, एक सम्राट की संतान सम्राट ही होती है, लेकिन आपने जो बीच में ये नया नया क्रिएट कर लिया ना, ये आपकी अपनी गलती है। आपके जो सितारे हैं वो तो चमक रहे हैं, वो तो आपको बहुत ऊपर तक ले जाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देना चाहते हैं, लेकिन आप ज़िंदगी में जो बीच का रास्ता है, जो बीच का सफ़र है, उसमें आप नई नई नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करते जा रहे हैं अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल ना करके। हाँ, ऐसा नहीं कि भगवान ने आपको बददिमाग बनाया है, आपको दिमाग दिया ही नहीं, दिया है, लेकिन आप उसका यूज़ करें तब ना। कन्फ्यूज्ड हमेशा रहते हैं, क्या चूज़ करूँ क्या चूज़ करूँ, आपका माइंड क्लियर ही नहीं रहता, 100 चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो 100 चीज़ों में उलझना नहीं है, लंबी गहरी सांस लीजिए और अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि मेरे लिए क्या सही है। जो पहली चीज़ होगी बस उसी पर आंख बंद करके निकल जाइए। दूसरी बात, आप डरते बहुत ज़्यादा हैं, किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करने से डरते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये चीज़ यहाँ पर लगा दूँ, इन्वेस्ट कर दूँ और मुझे उसका पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले। पहले शुरू तो करिए, आप इन्वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपको पता है जब आप एक सांस छोड़ते हैं तभी आप दूसरी सांस ले सकते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ना आप, अपनी एक सांस इन्वेस्ट करते हैं ना, छोड़ते हैं तभी तो दूसरी मिलती है। इसी तरह से अगर आप अपने बिजनेस को लेकर परेशान रहते हैं तो हम ये नहीं कहते कि आप अधाधुंध इन्वेस्ट करिए, सोच समझ कर इन्वेस्ट करिए, सही जगह पर इन्वेस्ट करिए। तो इन्वेस्ट करने में कंजूसी ना किया करें, आपके पास जो भी है इन्वेस्ट करने के लिए आप वो करिए, टाइम है अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, पैसे हैं, जो भी, उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करिए, तभी वो आपको डबल ट्रिपल होकर मिल सकेगा, समझ रहे हैं? दूसरा, अकेले होने से मत डरा करिए, अकेले होने से मत डरा करिए कि मैं अकेला हो जाऊंगा फिर मेरा क्या होगा, मैं अकेला हो जाऊंगा फिर मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप कभी अकेले होते ही नहीं है। एक सेकंड के लिए भी परमपिता परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं, आप उन्हें महसूस नहीं कर पाते, यहाँ पर आपकी गलती है, लेकिन हमारे जो एंजल्स होते हैं, जो हमारे स्पिरिट गाइडर होते हैं, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। और किसी भी चीज़ के अंत से मत डरा करिए, क्योंकि कभी किसी चीज़ का यहाँ पर अंत नहीं हो सकता, बस वो चीज़ें बदल जाया करती हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, परिवर्तन हो जाता है उनमें, एक न्यू बिगनिंग होती है। तो बस न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, तो किसी भी अंत से डरना नहीं है, किसी भी चीज़ के अंत से मत डरा करिए, इस वजह से क्योंकि अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, एक साइकिल है जो ख़त्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की नई शुरुआत होने वाली है, समझ रहे हैं? एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, और आप कभी ही मत सोचा करिए कि मैं अकेला पड़ गया, मैं अकेला हो जाऊंगा, आप कभी अकेले नहीं होते, ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं। दूसरी बात ये कि आप अपने रिश्तों में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते, क्यों? आपका गुस्सा कुछ ऐसा है कि अगर
आप किसी और चीज़ से गुस्सा है, किसी और इंसान से गुस्सा है, किसी और चीज़ में परेशान है, तो आप उन लोगों को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते जो आपको बहुत प्यार करते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी चीज़ में खोए हुए हैं और उस वक्त आपको कोई और ऑफ़र मिल रहा है या फिर कोई और आपसे प्यार से बात करना चाहता है, तो आप उसे भी नज़रअंदाज करते हैं, आप उसे भी इग्नोर करते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, कमी है एक तरीके से आपके अंदर। जैसे कि आप किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी लाइफ में आई हुई अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी से आपके हाथ से निकल जाती है, इसी वजह से, क्योंकि आप अपने पास्ट में इस कदर खोए हुए होते हैं कि जो फ्यूचर में मिलने वाला होता है उसके संदेश आपको बार बार मिलते हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, और आप उसे भी मिस कर देते हैं अपनी नादानी की वजह से। हाँ, तो ये आपको कभी नहीं करना है। फ्यूचर में आपका करियर इतना ब्राइट होगा कि हम क्या बताएं। और एक बात बताएं, आपके भाग्य में अभी सच्चा प्यार नहीं लिखा, आपके भाग्य में प्यार 40+ के बाद लिखा है। आप मैरिड हों अनमैरिड हों, आप जैसे भी देख रहे हैं, 40+ के बाद आपकी ज़िंदगी में आपको सच्चा प्यार मिलेगा, अभी नहीं। ये कहीं ना कहीं आपका भाग्य है, अभी तो आप प्यार के लिए तरस रहे हैं, भटकते रहेंगे। एक सही समय आता है जब आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से स्टेबल हो जाएंगे ना। अभी तो आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, अभी हम खुद देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर क्लियरिटी नहीं है। ठीक है कि ये इंसान मेरे लिए सही है, ये काम मेरे लिए सही है, वो इंसान मेरे लिए सही है, मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, अभी आपकी लाइफ क्लियर नहीं है। लेकिन जब क्लियर हो जाएगी ना पूरी तरह से, जब आपका माइंड पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा, तब आपकी ज़िंदगी में वो आ जाएगा जिसका आप जैसे कि ख्वाब देखते हुए आ रहे हैं, जो आपके सपनों में बहुत समय से आ रहा है, जो आपके लिए बना है, तब वो आपको मिल जाएगा। इतना समझ लीजिए, जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी है। आपके अंदर जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि बस कोई भी काम आज शुरू किया है, 2-4 दिन बाद बस उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाएं। किसी भी इंसान से आप मिले, बस आपको लगता है कि चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। बस हर चीज़ के लिए बहुत जल्दबाजी है। स्लोली समय के साथ चलिए, समय की जैसी धारा है ना उस हिसाब से चलिए, चीज़ों में जल्दबाजी मत करिए। आजकल के जो रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उनमें बहुत जल्दी प्यार हो जाता है, बहुत जल्दी सब कुछ हो जाता है, बहुत जल्दी ब्रेकअप भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ इकट्ठे खाने की कोशिश करते हैं, और जिससे बस पेट खराब हो जाना है, ज़िंदगी बर्बाद हो जानी है। कुछ चीज़ें समय के साथ हो तो ही बेहतर है। हर चीज़ में जल्दबाजी। आपने देखा होगा कि शुरू में जब लोग फ्रेंडशिप करते हैं तो दिन रात बात करते हैं, क्या बात करते होंगे, वो जैसे लगता है पैदा होने से लेके अब तक की बातें बस दिन रात उनकी बातें ख़त्म नहीं होती। ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, फिर उसमें एक समय पर ऊब हो जाती है, बोरियत, क्योंकि अब आपने जो बताना था सब बता दिया, मिस्ट्री सारी ख़त्म कर दी, अब सामने वाला आपसे बोर हो गया है, अब आप में जानने जैसा कुछ रहा नहीं। ठीक है, फिर वो हर इंसान यहाँ पर कुछ नित नया जानना चाहता है, एक जगह टिकना नहीं चाहता। हम आपको कहें एक जगह खड़े रहिए 10 दिनों तक, आप खड़े रहेंगे एक जगह? नहीं। आपको लगता है कि ज़िंदगी में एक्टिविटी होती रहनी चाहिए, चलते फिरते रहने चाहिए, बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, खड़े खड़े बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे। ऐसे ही एक ही इंसान से इंसान बोर क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर सारी मिस्ट्री ख़त्म हो जाती है, बस 10 दिन में सब रफा दफा हो जाता है। इसी वजह से, क्योंकि आपको रिश्ते निभाने नहीं आते, रिश्ते चलाने नहीं आते, सब कुछ समय से पहले। समय के साथ चलेंगे तो पार लग जाएंगे, समय से आगे आगे चलेंगे तो फिर कहीं पड़े रहेंगे कोने में किनारे में। तो समझिए इस बात को, एंजेलिक गाइडेंस सुन लीजिए। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस लिखा हुआ है, बहुत सक्सेसफुल लाइफ लिखी हुई है,
लग्जरी होगी पूरी आपकी लाइफ, ये समझ लीजिए। जैसे कि आपके आगे पीछे बहुत सारे नौकर चाकर होने वाले हैं, आपका बहुत बड़ा अपना खुद का घर होने वाला है। हाँ, आपका बिजनेस जो भी है, आप जो जॉब करते हैं, आप जो पाना चाहते हैं, वो सब आपको मिलने वाला है, समय के साथ मिलेगा। हमने बताया कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके भाग्य में लिखा जरूर है ये सब कुछ, बस आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, दूसरों को देखकर कॉपी नहीं करना कि वो इस फील्ड में सक्सेस हुआ तो मुझे भी उसी में जाना चाहिए। नहीं, आपकी अंतरात्मा को क्या पसंद है, आपका क्या पैशन है, आपको उस हिसाब से चलना है। आप अगर कोई कंपनी चलाना चाहते हैं, लाइक आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आप अपनी कोई कुछ अपना करना चाहते हैं, होता है ना, कोई अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, कोई अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी अपनी कोई कंपनी हो, ठीक है, मेरा अपना एक बड़ा बिजनेस हो, वो ज़रूर होगा आपके अंदर, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी बदसूरत चीज़ को एक नई रूपरेखा दे सकते हैं, किसी भी बिगड़ी हुई चीज़ को संवार सकते हैं, आपके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन बस आप उसे अभी समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसे सही दिशा दे नहीं पा रहे हैं। सफलता बहुत ज़्यादा है आपकी ज़िंदगी में, सक्सेसफुल लाइफ आप जिएंगे ही जिएंगे, बस कुछ चीज़ों पर आप नियंत्रण कर लीजिए, जैसे कि जल्दबाजी मत किया करिए, गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल किया करिए, ओवर थिंकिंग मत किया करिए, और अकेले होने से मत डरा करिए। आप जिनके आदि हो जाते हैं, जिनके एडिक्टेड हो जाते हैं कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, बस ये समझ लो उन्होंने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ गया कि ये हमारे बिना जी नहीं सकता। इस तरह से ज़िंदगी जियो कि किसी के मोहताज मत रहो। कभी कभी लोग गलत होते हैं और हम हमेशा उनको बढ़ावा देते हैं कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, फिर पूरी ज़िंदगी गलती करते रहते हैं और वो ये समझते हैं कि ये तो हमारे बिना जी नहीं सकता तो ये हमें छोड़ नहीं सकता। किसी के भी आदि नहीं बनना है, इतना समझ लीजिए। कुछ चीज़ें, कुछ कर्मा आपके पूर्व जन्म के हैं। आप सोच रहे होंगे ना कि आपको बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें, तो हम आपको बताएं कैसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें पास्ट लाइफ से ही आपके साथ हैं, कुछ नेगेटिव लोग, कुछ टॉक्सिक लोग पास्ट लाइफ से ही आपके साथ हैं, समझ रहे हैं। कुछ अच्छी आत्माएं पूर्व जन्म में आपके साथ थी और इस जन्म में भी हैं, वो आपके सोलमेट हुए। कुछ नेगेटिव लोग जो पूर्व जन्म में आपको परेशान कर रहे थे, वो इस जन्म में भी आपके साथ हैं, तो वो आपके कार्मिक हुए, समझ रहे हैं। तो वो जो कार्मिक लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं। हो सकता है ये कार्मिक आपके परिवार में हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके पड़ोसी हो, कहीं ना कहीं से वो आपको मिल ही गए हैं। हो सकता है आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ पर हो, तो कुछ कार्मिक लोग आज भी आपके साथ हैं और जो आपको डीमोटिवेट करते ही रहते हैं, जो आपको पिंच करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलकर आपको लाइक अंदर से निराश करते रहते हैं, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, अरे चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं बनी, जैसे कि वो आपको उत्साहित नहीं करते, हतोत्साहित करते, लाइक आप डीमोटिवेट हो जाएं, आप हार जाएं, आप गिव अप कर दें, वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से ही हैं और उनकी वजह से वो आपको इतना चढ़ा देते हैं, मान लीजिए कि वो आपको इतना भड़का देते हैं कि आप उनकी वजह से इतना स्ट्रेस ले लेते हो, इतनी टेंशन ले लेते हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना है। हाथी चले बीच बाजार, कुत्ते भौंके 10,000, 1,000 नहीं 2,000 नहीं 10,000, इन्हें कुत्तों के समान देखिए कि भौंक रहे हैं, क्योंकि हाथी की बराबरी तो कर नहीं सकते, आप क्या करें, भौंक के ही काम चलाना पड़ेगा। आपको पता है लोग बुराई किसकी करते हैं, जिसके लेवल पर वो आ नहीं सकते, अब बुराई करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब आपकी चारों तरफ बुराई होने लगे, तो ये समझ लो कि अब सफलता बहुत करीब है आपके। हम बहुत छोटे थे, हम अपनी बात बताएं, ये बचपन की बात है हमारे, हम कभी किसी चीज़ में एक बार बहुत डिमोटिवेट हो गए थे, तो पता नहीं किसी ने कहा था, हमें याद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जब आपकी बहुत ज़्यादा बुराई होने लगे, जब लोग आपसे चिढ़ने लगें, तो बस इतना समझ लो कि सक्सेस
बहुत करीब है आपके। क्यों? क्योंकि अब वो आपको अपने लेवल का तो देखते नहीं हैं, और जब सामने वाले के हम लेवल से ऊपर होते हैं तो फिर वो क्या करता है, वो बकना शुरू करता है, वो बोलना शुरू करता है ना। तो हाथी जब बाजार में आता है तो कुत्ते क्या सोचते हैं, इतना बड़ा कुत्ता होता तो लड़ भी लेते सब मिलकर, इतना बड़ा ये कौन आ गया, तो बस भौंकना शुरू कर देते, क्योंकि कोई लेवल तो है नहीं। अब आपसे जो लोग चिढ़ते हैं, किस वजह से चिढ़ते हैं वो आप समझते होंगे, आपके टैलेंट से, आपकी खूबसूरती से, आपके विचारों से, आपकी सक्सेस से, किस वजह से चिढ़ते हैं, क्योंकि आपका उनका कोई लेवल नहीं है। अब जब लेवल नहीं है तो क्या करें बेचारे, ऐसे ही अपने मन की प्यास बुझा लेते हैं, उल्टा सीधा बोल कर ही बुझा लेते हैं। तो उन्हें करने दीजिए, आप उन्हें इग्नोर करिए, बल्कि खुश हो जाया करिए कि अच्छा सफलता मेरे बहुत करीब है, तभी तो अब ये मुझसे चिढ़ने लगे हैं, कभी जो मेरे साथ थे आज मेरे खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि अब शायद मैं इनके लेवल से ऊपर हूँ, और इसी वजह से चीज़ें अभी इन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, इन्हें हज़म नहीं हो रही हैं। तो आपको खुश हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही अब से आपको ऐसे टॉक्सिक लोगों को इग्नोर करना है, क्योंकि वो आपके पास्ट लाइफ के हैं, कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है। और आपको डेली 10 मिनट का मेडिटेशन करना है, जिससे जो भी कर्मा पूर्व जन्म का है वो क्लीन हो जाए। क्या समझे? वो कर्मा क्लीन हो जाए। और अपने मन में किसी भी तरीके का किसी के लिए भी द्वेष भाव नहीं रखना है, ईर्ष्या नहीं रखनी है, चिढ़न नहीं रखनी है। अपने मन को गंदा नहीं करना है, अपनी आत्मा को गंदा नहीं करना है। उन टॉक्सिक लोगों के बारे में सोचकर क्यों खुद को परेशान करना, आत्मा तो शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, है ना, मन तो शुद्ध होना चाहिए। अब जैसे लोगों के बारे में सोचेंगे तो फिर वैसी एनर्जी क्रिएट होगी ना हमारे अंदर। अगर हम किसी के पाप की बात करते, किसी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया और हम उसी के बारे में बात करते जा रहे, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि उसकी गंदगी हम अपनी जीभ से साफ कर रहे होते हैं? दूसरों की गंदगी के बारे में बात करना उसकी गंदगी साफ करने के बराबर होता है। वो जैसा है उसे बना रहने दीजिए। आप अपनी योग्यताओं पर ध्यान दीजिए, अपने क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने फैमिली पर ध्यान दीजिए। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। दूसरे क्या कहते हैं, इसे फुल्ली इग्नोर करके अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। जो मर्यादाएं, जो बंधन आपको बांध रहे हैं, क्योंकि आपको सपोर्ट बहुत कम मिलता है आपके परिवार की तरफ से, ठीक है, तो जो बंधन आपको, जैसे आपको लगता है कि मेरी सफलता में ये रुकावट डाल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें इग्नोर करना है। एक समय पर सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, सारे टॉक्सिक लोग दूर हो जाएंगे, सारे बंधनों को तोड़कर, सारी बाउंड्रीज को तोड़कर एक दिन आप अपनी लाइफ में सबसे ऊपर पहुंचेंगे। आज जो लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं ना, आज आपको जो बुरा भला बोल रहे हैं, कल आपको वो अप्रिशिएट करेंगे। आपकी फैमिली के लोग हों, आपके रिश्तेदार हों, कोई भी हो, ये समझ लीजिए, कल को उन्हें आपकी चमक का पता चलेगा। अभी क्या है ना, अभी हीरा कचरे में पड़ा हुआ है, अभी हीरे की सफाई नहीं हुई है, बस ये समझ लीजिए, अभी ये जो हीरा है ना, उसे तराशा नहीं गया है। जिस दिन ये हीरा तराश दिया जाएगा ना, उस दिन इसकी कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन इस हीरे को आपको अपने आप ही तराशना है, कोई और तराशने नहीं आएगा। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं परिवार में, समाज में, तो आपको अपने आप ही वर्क करना होगा, अपने आप ही तराशना होगा खुद को, ठीक है। और हमने आपको बताया कि आपको अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देना है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने घर को लेकर बहुत परेशान हैं, तो डियर आप अगर चाहते हैं कि आपका अपना घर हो तो ज़रूर होगा, ये आपके भाग्य में लिखा है, बहुत छोटी चीज़ है, बिल्कुल परेशान मत होइए इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि हमने बताया कि आपकी लाइफ में यह राजयोग है, लेकिन वो 40 के बाद आएगा, 40 के बाद ही आपकी लाइफ में आपका हम सफ़र भी आएगा। अभी आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, जैसे भी हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में 40 के बाद एक बहुत अच्छा इंसान आएगा। हम ये नहीं कहते कि उनसे शादी हो जाएगी, लेकिन जिस प्यार की कमी आप महसूस करते हैं ना, वो आप
40 के बाद पाएंगे, ठीक है? तो डियर ये है आपका भाग्य, और आपका भाग्य आपको सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है, बस कुछ मेहनत आपको खुद भी करनी है, ठीक है? ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपके भाग्य में क्या लिखा है? क्या है आपके जीवन की पूरी कहानी? आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा है, आपका फ्यूचर कैसा होगा, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में बताने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या होगी, हम वो भी बताने वाले हैं। डियर पाइल नंबर 2, आप बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला किस्म के इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने वाले। फैमिली के साथ पार्टी शार्टी करना, फैमिली के साथ घुल मिल कर रहना, उनके साथ प्यार से रहना आपको बहुत पसंद है। आप उनमें से नहीं है कि अकेले अकेले इधर उधर भागे, नहीं, आपको अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार है और आपको अपने परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना, लॉन्ग ट्रिप पर जाना और उनके साथ ढेर सारी मस्ती करना, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को बहुत स्पेशल बना देना, ऐसा आपका नेचर है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आपको कैंपिंग करना बहुत पसंद है, आपको अपने दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद है, आपको प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव है ना? एक बात बहुत अच्छी है आपके अंदर, आप ना कभी किसी का एहसान नहीं भूलते। अगर कभी किसी ने आपके लिए कभी कुछ किया हो, छोटा सा भी किया हो, तो आपकी कोशिश होती है कि उससे 4 गुना ज़्यादा आप उसके लिए करें। कुछ लोग होते हैं ना एहसान फरामोश, उनके लिए कितना भी कर दो, कितना भी, लेकिन मैं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर आप ऐसे नहीं हैं, आपको लगता है कि आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतना अच्छा सब कुछ मिला है, उसके लिए आप हमेशा अपने मन में ईश्वर को थैंक्स 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 बोलते रहते हैं। मतलब कि एहसान फरामोश नहीं है, आप हर बात के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपकी ग्रेटिट्यूड वाली आदत आपको बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाएगी। एक बात, आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंड हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप हर किसी पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करते। कोई बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा हो, लच्छेदार बातें फेंक रहा हो, आप बस सुनते जाते हैं, अच्छा और, लेकिन आप आसानी से किसी की बातों में आने वाले नहीं हैं। आपको बेवकूफ़ बनाना लोगों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन हाँ, जिनके साथ आप दिल से जुड़ जाते हैं, आप उनके लिए जान भी लुटा सकते हैं, ये समझ लीजिए। और एक बात, आपको परिवार के साथ रहना तो बहुत पसंद है ही, लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप उनके प्यार के लिए, अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनकी खुशी के लिए आप अपनी खुशियों का भी बलिदान कर सकते हैं, आप अपनों की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। भले ही आप बदले में ये चाह नहीं रखते कि बदले में वो भी आपको दें, और ऐसा होता भी है कि जो आप देते हैं वो आपको कभी नहीं मिलता, लेकिन आप ये नहीं सोचकर उन्हें प्यार देते कि जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे भी मिलेगा, नहीं, आपको लगता है कि वो मुझे प्यार करे ना करे, मैं तो करता हूँ, मैं तो करती हूँ, सिंपल। और आप ना थोड़े बड़बोले टाइप के हैं, बड़बोला उसे बोलते हैं जो अपने मन में कोई मैल नहीं रखता, कोई गंदगी नहीं रखता। आपको गुस्सा आया, आपने तुरंत बोल दिया, आपको जिसके प्रति जो भी आया मन में वो आपने तुरंत बोल दिया। आप अपने मन में ये नहीं कि उसके लिए जहर बनाते रहें, अपने अंदर उसको घुटते रहें उस बात को लेकर, जो आपके अंदर है आप उसे तुरंत बोल देते हैं। लेकिन आप जिनसे प्यार करते हैं, जितना प्यार करते हैं, ये कोई भी आपके दोस्त हों, आपके अपने हों, आप जाहिर नहीं कर पाते, आप बता नहीं पाते, तो आपकी फैमिली को या फिर आपके जो अपने हैं वो कभी कभी गलत समझ लेते हैं आपको कि बताओ इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, के अंदर एक ये कमी है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और गुस्से में आप क्या बोलते हैं आपको खुद ही पता नहीं होता, ये समझ लीजिए।
और उस गुस्से में बोले गए शब्दों से आप बहुत ज़्यादा लोगों को हर्ट कर देते हैं। बाद में आपको अफसोस होता है, आप सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन आप गुस्से में थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। और एक बात तो ये है कि आप प्यार भी शिद्दत से करते हैं, और अगर कोई धोखा देता है आपको तो आप दुश्मनी भी शिद्दत से ही करते हैं। आप दोनों रिश्ते शिद्दत से निभाते हैं और आप बहुत मस्त हैं। कभी कभी आप अपनी मस्ती में आकर ना थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, ये गलत बात है। अपनी हेल्थ के प्रति आप केयरलेस हो जाते हैं, आप अपनी लाइफ के प्रति केयरलेस हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ये ठीक नहीं है। मस्ती करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन थोड़ा सा खुद का ख्याल भी रखिए। आप जस्टिस लवर इंसान हैं, ना आप धोखा देना पसंद करते हैं और ना धोखा खाना पसंद करते हैं। आपको लगता है कि अगर आप किसी के सामने खुली किताब हैं तो वो भी आपके सामने खुली किताब ही होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है तो वो आपकी ज़िंदगी से जा सकता है। आप ना धोखा देते हैं ना धोखा देना पसंद करते हैं, और किसी और को भी अगर कोई धोखा देता है तो वो भी आपको बर्दाश्त नहीं होता है। अब बात करते हैं आपके पास्ट की। डियर, सबसे पहले पास्ट में आपके रिश्ते की बात करते हैं। आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं जी, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है आपका। मतलब इतने टैलेंटेड होने के बाद भी आपको धोखे मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि उन पर आपने ट्रस्ट कुछ ज़्यादा ही कर लिया, जिसकी वजह से उस इंसान ने आपको बुरी तरह से तोड़ा है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही है, लेकिन फिर भी आप टूटे तो हैं, लेकिन इतना भी नहीं टूटे कि आप मिट्टी में मिल जाएं। नहीं, आपको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। किसी ने आपको तोड़ा, उसने सोचा कि चलो अब ये ख़त्म, इसकी हस्ती ख़त्म, ये ख़त्म, लेकिन नहीं। आपको पता है कि अंत के बाद आरंभ भी होता है, तो आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़े, ठीक है। आपको धोखे बहुत मिले हैं पास्ट लाइफ में, लेकिन आपको हमेशा ईश्वर के प्रति एक होप रही है, एक ट्रस्ट रहा है, एक फेथ रहा है कि हो सकता है कि इसमें मेरी भलाई रही हो, और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। अगर आप वहीं पर टूट जाते, क्योंकि इतने नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में थे जिन्होंने आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की, आपकी लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन आपको ईश्वर पर विश्वास था और ईश्वर ने ही कहीं ना कहीं आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से बचाया। तो आप में से बहुत सारे लोग पास्ट में बहुत सारे लोगों के धोखे का शिकार हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर से हिम्मत नहीं टूटी। आप एक करेजियस पर्सन हैं। होता है ना कि लोगों ने कोशिश तो बहुत की हमें मिट्टी में मिलाने की, लेकिन अफसोस अब उन्हें कौन बताए। ये हम तो बीज हैं, हमारी आदत है उग जाने की, और उग जाने की उसके साथ साथ एक से हजार गुना ज़्यादा हो जाने की, समझ रहे हैं। तो जितना ही लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की है ना, आपने उतनी ही ज़्यादा प्रोग्रेस की है। और ये समझ लीजिए, इसमें 100% ईश्वर का हाथ रहा है, क्योंकि आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे लोग आपकी लाइफ में क्यों आए? क्योंकि आपका पास्ट लाइफ का कर्मा था, इस वजह से वो आपको हर्ट करने आए। कहीं ना कहीं वो आपको लेसन देने आए, ठीक है, लेसन देकर चले गए, लेकिन ईश्वर हमेशा आपके साथ रहे हैं। आपने इस बात को फील भी किया होगा कि कोई दिव्य ऊर्जा हमेशा आपके साथ रहती है। तो पास्ट आपका ऐसा रहा। पास्ट में आपका करियर कैसा था? स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी रही, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ स्लो होने लगा, ठीक है। करियर में स्टार्टिंग अच्छी रही, लेकिन सब कुछ स्लो होने लगा, और आपको बहुत ज़्यादा अप डाउन का सामना करना पड़ा। उतार चढ़ाव काफ़ी चलते रहे। आपने मेहनत बहुत की, लेकिन आपको ऐसा लगता था कि शायद रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। एक बात ये भी है कि आपके अंदर धैर्य की थोड़ी ज़्यादा कमी है। आप ना ज़्यादा समय तक किसी चीज़ का वेट नहीं कर सकते। आपको लगता है कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, और रिजल्ट मिलेगा। आपने जो अच्छा किया है ना, उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। जो पास्ट में आपने अच्छा किया है ना, जो मेहनत आपने की है ना, उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। तो पास्ट में आपका करियर भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। स्टार्टिंग में तो बहुत लंबी उड़ान भरी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ स्लो होता चला गया, और कहीं ना कहीं से आपको पास्ट में कुछ ऑफर्स भी मिल रहे थे, लेकिन आप कुछ चीज़ों में या फिर अपने लव लाइफ में इतना ज़्यादा डूबे हुए थे कि आप उन ऑफर्स को इग्नोर करते चले गए, आपने उन्हें अनदेखा कर दिया, ठीक है। तो ऐसा रहा आपका पास्ट। अब बात करेंगे आपके प्रेजेंट की। देखिए, प्रेजेंट में आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आज भी उस दर्द से, उस धोखे से
पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आपको आज भी लगता है कि आप बंधे हुए हैं, आप स्टक हैं, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाते हैं, समझ रहे हैं। तो कुछ लोग तो अपने पास्ट से आगे बढ़ गए हैं, किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर ने हिम्मत दी, उन्होंने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को उतारा, उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की, अपनी सेल्फ ग्रोथ की, तो वो लोग तो हमें प्रेजेंट में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी अपने पास्ट को लेकर स्टक हैं और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद आप किसी को पाना चाहते हैं जो पास्ट में आपके साथ थे। तो हम ये कहेंगे कि देखिए, कुछ लोगों के तो सोलमेट थे उनकी लाइफ में, जो कि किसी मजबूरी की वजह से चले गए थे, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में कोई कार्मिक थे और आप उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे। तो प्लीज़ उन्हें मैनिफेस्ट मत करना। ईश्वर आपकी ज़िद्द पूरी तो कर देंगे, लेकिन वो बाद में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देंगी, बहुत ज़्यादा। और अभी प्रेजेंट में आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, करियर पर, स्टडी पर, अपने बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर कर आपका ध्यान आपके पास्ट में मिले धोखे की तरफ चला जा रहा है कि अरे ऐसा हो गया था। कुछ लोग निकल नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आना चाहता है तो आप उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको अब किसी पर ट्रस्ट नहीं रहा। आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ पास्ट में हुआ था वो फिर ना हो, इस वजह से आप थोड़ा कन्फ्यूज्ड हैं। हो सकता है कि उनके प्रति आप भी अट्रैक्शन फील करते हों, अपनापन महसूस करते हों, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं, इतनी जल्दी कभी किसी के साथ अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है। तो आप में से बहुत सारे लोग किसी दो राहे पर अटके हुए हैं और एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और आप में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी के हायर लेवल पर जा चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी के हायर लेवल तक जा चुके हैं, जिन्हें अब लाइफ में कुछ भी हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ तो वेलकम और चले जाओ तो भीड़ कम, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप में, अपने सेल्फ लव में इतना मस्त हैं, स्वयं से प्रेम करने लगे हैं, उन्हें ईश्वर से प्रेम हो गया है, और वो इतने मस्त रहते हैं, इतने मस्त रहते हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है। उन्हें लगता है कि ईश्वर जो भी करेंगे वो मेरे लिए बेस्ट ही होगा। आप में से कुछ लोग अपने एक्स को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, शायद फ्यूचर में मैनिफेस्ट करने के लिए, है ना। तो देखिए, हमने आपका नेचर बताया, आपका पास्ट बताया, अभी आपका प्रेजेंट बता रहे हैं, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे, कार्मिक को मैनिफेस्ट मत करना। आप मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, कार्मिक को मैनिफेस्ट मत करना। मेजर चीज़ें तो ईश्वर की तरफ से होगी, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, छोटे मोटे दुख हैं ना, ये आप अपने आप करते हैं, अपने थॉट्स के हिसाब से। आप जो सोचते हैं वही मैनिफेस्ट होता है ना। तो इस वजह से दुख मिलेंगे ना आपको, वो आपका ही बोया हुआ बीज होगा। अगर आपने एक बार बीज बो दिया ना, तो फिर उसकी फसल आपको काटनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना। इस वजह से ईश्वर आपको अलर्ट कर रहे हैं, ईश्वर आपको सतर्क कर रहे हैं, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपने जो पास्ट में दर्द सहे हैं वो एक तरीके का कर्मा था जो खत्म हो गया, उसकी एंडिंग हो गई है, अब न्यू बिगनिंग होगी। और चाहते हैं कि आप उन सब चीज़ों से एक सबक ले, एक सीख ले अपने फ्यूचर में प्रोग्रेस के लिए, अपने फ्यूचर में सक्सेस के लिए। तो वो ज़रूरी था, लेकिन अगर आप सबक ले चुके हैं तो प्लीज़ फ्यूचर बर्बाद मत करना, ठीक है। तो डियर, प्रेजेंट में बहुत सारे लोग किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में आए हों, आप उनके साथ सोलमेट कनेक्शन, ट्विन सोल कनेक्शन फील करते हो। आप अभी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको लगता है कि कहीं पास्ट जैसा ही कुछ ना हो जाए। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए, आप बस डिवाइन के प्रति सरेंडर रखिए खुद को, ठीक। डिवाइन को समर्पित कर देते हैं ना, तो हम आँखें बंद कर लेते हैं कि वो जैसे चलाए वैसे चलना है आपको, तो आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ, जितने लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, जिनके साथ वो फ्यूचर में शादी करना चाहते हैं, तो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं करियर की, कि करंट में आपके करियर में क्या चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोई न्यू जॉब मिल गई है। हाँ हाँ, कितने लोगों को मिल गई है प्लीज़ कॉमेंट करिए। कोई न्यू जॉब मिल गई है, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट हो गया है और वो स्टेबल हो रहे हैं धीरे धीरे,
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी न्यू जॉब का वेट कर रहे हैं, जो अभी भी बहुत ज़्यादा द्वंद्व की स्थिति में हैं, अपने लिए एक सही चीज़ चूज नहीं कर पा रहे हैं, जो फिनेंशियल स्टेटस है काफ़ी ख़राब है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। तो ये चल रहा है अभी बहुत सारे लोगों के करियर में। अब हम फ्यूचर बताते हैं आपको कि क्या होगा। फ्यूचर में लव लाइफ की बात करते हैं तो डियर, जितने लोग इधर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, पहले रिश्वत दो फिर बताएंगे। पहले रिश्वत चाहिए हमें, दे दी। तो डियर, फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, मतलब कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है, समझ रहे हैं? आपका भाग्य बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में आपके मस्कुलाइन से आपका यूनियन जरूर से जरूर होगा। लेकिन जो पास्ट की कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उन्हें भूलकर ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, कोई भी चीज़ लाइफ में आसानी से तो नहीं मिल जाती, ये आप सबको पता है। तो अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दरमियान एज डिफरेंस इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, फिनेंशियल इशू भी है, तो वो जब बहुत ज़्यादा समाज की परवाह कर रहे हैं कि क्या होगा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, क्या करें क्या ना करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, प्यार को चूज़ करें, परिवार को चूज़ करें। तो ईश्वर उनसे कहना चाहते हैं कि देखिए, आप ट्रस्ट रखिए ईश्वर के प्रति भी और खुद के प्रति भी, अपने आप पर भी विश्वास रखिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। ईश्वर आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, बस जो पास्ट की नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए। अगर फ्यूचर में प्रोग्रेस चाहिए, फ्यूचर में आप सक्सेस पाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो डियर इतना कर लीजिए, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों की तो फ्यूचर में लव मैरिज नज़र आ रही है हमें, बहुत सारे लोगों की। ये समझ लीजिए कि ईश्वर कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको 100% आपकी लव लाइफ में सक्सेस मिलेगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, शायद उनकी फैमिली एग्री नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो उनसे भी ईश्वर कह रहे हैं कि आप इतनी टेंशन मत लीजिए, आपकी लाइफ में कंप्लीशन ज़रूर होगा। अगर अभी आप अपने पार्टनर से सेपरेट भी हैं ना, तो फ्यूचर में आप दोनों का रीयूनियन नज़र आ रहा है, फ्यूचर में आप दोनों के दरमियान सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बस आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा, वो भी ये है कि पास्ट की चीज़ें फ्यूचर में नहीं ले जानी है, जो पास्ट में हुआ उसे फ्यूचर में नहीं घसीटना है लव लाइफ में। अब हम बात करते हैं आपके करियर की। फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी डिवाइन की तरफ से, लेकिन कोई ऑफर मिलेगा और बहुत सारे लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, उसके प्रति आपको भड़काने की कोशिश करेंगे कि नहीं तुम ये मत करो, तुम ऐसा मत करो, फिर तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, जो आपसे जलते हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको जो भी ऑफर मिलता है, आप उसे एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि उसके एक्सेप्ट करते ही आपकी लाइफ में आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी और वो ऑफर ईश्वर की तरफ से होगा। आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन आएगा, बस आपको लोगों की परवाह नहीं करनी है। तो डियर, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, हम आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता चुके हैं, ठीक है, और क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी बता चुके हैं, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।